जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई रिसीव सिमिलर क्वेरीज फ्रॉम वेरियस यंगस्टर्स कि सर, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें किसी एक इंसान की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करें। अब इसमें भी दो तरह के केसेस आते हैं। एक केसेस वो हैं जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लुक्स की वजह से एक अट्रैक्शन हो रहा है, मे बी उनके कोचिंग सेंटर पे कोई है या कॉलेज में साथ में कोई पढ़ता है। और दूसरे केसेस वो हैं जिसमें वो मे बी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर चुके हैं तो उस वजह से उनका अट्रैक्शन हो रहा है। बट जो भी केस है, दे आर कन्फ्यूज कि अब एक तरफ तो हमारा क्रिटिकल फेज है लाइफ का जिसमें हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो अब हम ये दोनों चीजें कैसे हैंडल करें। काफी सिनेरियो इस तरह के भी हैं जिसमें यंगस्टर्स ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं बट अब उनका कोई क्रिटिकल फेज आ गया लाइफ में, तो दे आर कन्फ्यूज कि अपने इस क्रिटिकल फेज में अपने रिलेशनशिप को और अपनी प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करके चलें। उसके रिगार्डिंग अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अभी आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी एक मिशन पर हो, बट साइड बाय साइड आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो उस फेज में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए एक सही डिसीजन और स्ट्रेटेजी होगी। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि जब दो लोग एक रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो इनिशियल फेज में होता क्या है। आप सभी को पता है मोस्टली मशीन्स में गियर्स होते हैं। गियर्स मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के आपस में सिंक्रोनाइजेशन के साथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सर्कुलर टाइप के गियर्स होते हैं मोस्टली, और इस तरह से उनके जो टीथ्स होते हैं आपस में इंटरलॉक होते हैं, और एक गियर मूव करता है तो दूसरा भी सिंक्रोनाइजेशन में मूव करता है। लाइक हमारे छोटे स्केल पे वॉचेज में भी आपने देखे होंगे। अब आपको पता है अगर इस मशीन को एफिशिएंटली और स्मूथ वे में काम करना है तो इन दोनों गियर्स का आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो आपस में ये गियर नॉइस प्रोड्यूस करेंगे, खटपट प्रोड्यूस करेंगे, और मशीन कभी भी स्मूथली वर्क नहीं करेगी, एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी। अब आप किसी भी इंडिविजुअल को एक गियर की तरह इमेजिन कर लो, और उसके जो टीथ्स हैं, उस गियर के जो टीथ्स हैं, उसको आप उस इंडिविजुअल के इमोशंस और नेचर की तरह इमेजिन कर सकते हो। अब जब कोई भी दो इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप में आएंगे तो उनका उस रिलेशनशिप को स्मूथली चलाना, एफिशिएंटली चलाने के लिए उन गियर्स का आपस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उनके टीथ्स की इंटरलॉकिंग, उनके इमोशंस की, उनकी नेचर की इंटरलॉकिंग प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उनका रिलेशनशिप कभी भी स्मूथली नहीं चल सकता, हमेशा इश्यूज रहेंगे, हमेशा खटपट रहेगी, और लाइफ कभी भी स्मूथली नहीं चल पाएगी। अब ये चीज़ फैक्ट है कि कोई भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए एक कस्टमाइज्ड वे से बना नहीं होगा, तो इन टीथ्स की ग्राइंडिंग ओवर द टाइम ज़रूरी है। और जब भी आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो इनिशियल फेज में इन टीथ्स की ग्राइंडिंग होती है, मतलब एडजस्टमेंट होती है, और ये एडजस्टमेंट आप दोनों इंडिविजुअल्स खुद ही करते हो, ये कोई थर्ड पर्सन आके नहीं करेगा। मशीन के केस में अगर दो गियर्स में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो एक थर्ड मैकेनिक आके उसको सिंक्रोनाइज कर देगा, बट आपके केस में आप दोनों को मिलके ही इसका सिंक्रोनाइजेशन करना होगा। और रिलेशनशिप के इनिशियल फेज में दोनों इंडिविजुअल्स की बहुत टाइम और एनर्जी लगेगी आपस के जो इमोशंस और नेचर के गियर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने में। कुछ केसेस में ये इमोशंस और नेचर के गियर्स आपस में कम टाइम में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और कुछ केसेस में बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ केसेस में कभी हो ही नहीं पाते हैं, और अगर नहीं हो पाते हैं तो रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। बट विदाउट एनी डाउट दिस इज अ टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इनिशियल फेज में आपके अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे और ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जो आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किए होंगे। ऐसे स्ट्रेस वाले मोमेंट्स भी आ सकते हैं, टेंशन वाले मोमेंट्स भी आ सकते हैं। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू अदर थिंग्स। एक स्टूडेंट लाइफ, एक सीरियस स्टूडेंट की लाइफ एक तपस्या की तरह होती है। तपस्या की तरह क्यों होती है? क्योंकि जब उसके साथ के लोग, उसके बैचमेट्स, फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के फुल प्लेजर्स ले रहे हैं, तो उस टाइम वो इंसान, वो स्टूडेंट अपने आप को बाउंड करके, रिस्ट्रिक्ट करके, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करके एक मिशन पर लगा हुआ है। और कोई भी स्टूडेंट ये तपस्या एफिशिएंटली तभी कर पाएगा जब उसका टारगेट, उसका गोल उसके सामने क्रिस्टल क्लियर होगा, उसको पता होगा मैं इस टारगेट के लिए एम क्यों कर रहा हूँ। वो इस टारगेट के लिए एम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं एक कुछ टाइम की तपस्या करके, कुछ टाइम का अपना मन मार के, अपना सेल्फ कंट्रोल डेवलप करके पूरी लाइफ एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। आज का मेरा सेल्फ कंट्रोल, आज के मेरे सेक्रीफाइसेस मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि यंग एज तलवार की नोक पे चलने के बराबर होती है, बिकॉज इस टाइम बहुत डिस्ट्रैक्शंस और प्लेजर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो जो इंसान
इन सारे प्लेजर्स और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करके, पूरे फोकस के साथ अपने मिशन की तरफ चलेगा, वो इंसान पूरी ज़िंदगी संभला रहेगा। और जो इंसान अपनी यंग एज में कहीं डगमगा गया, तो वो अपनी पूरी की पूरी फ्यूचर वाली ज़िंदगी ऑफ द ट्रैक भी जा सकता है। आपने बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ देखी होंगी जिन्होंने यंग एज में डगमगाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा गलत एक्ट कर दिया जिसके कॉन्सिक्वेंसेज वो अपनी ओल्ड एज तक फेस कर रहे हैं। चाहे लेटर ऑन जब उनको पूरी समझ आ गई, अपनी गलती रियलाइज़ होगी, वो लाइफ में सही ट्रैक पर आ गए हैं, बट जो उन्होंने एक यंग एज में कोई एक्ट किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज वो ओल्ड एज तक फेस कर रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने अपनी यंग एज में अपनी लाइफ को साफ सुथरा रखना है और अपने पूरी की पूरी लाइफ एक साफ सुथरे वे से जीनी है, या यंग एज में कहीं डगमगा के कोई ऐसा गलत एक्ट कर देना है जिसके लिए आपको पूरी जिंदगी रिग्रेट करना पड़े। अब हम एक सीरियस स्टूडेंट की बात करते हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप सीरियसली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको दिन में ऑब्वियसली 8-10 घंटे इस टाइप की स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर आप कंसिस्टेंटली अपना आउटपुट देना चाहते हो, तो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद भी आपको रोज बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन ऑर्डर टू मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, यू हैव टू डिवोट 1 आवर टू योरसेल्फ एज वेल। इसके अलावा आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेना है दिन में, तभी आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है आपकी, और उसके अलावा जो आप इतना ब्रेन, इतनी टाइम और एनर्जी अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो उसका पूरा आउटपुट आपको मिले, तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा। दिन के अंदर कुछ टाइम आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देना चाहिए, सो डैट जो भी आपके स्ट्रेसेस वगैरह हैं उनके साथ बात करके, शेयर करके आपके वो भी दूर हो जाएं। आपके पास दिन में इतना कुछ करने को ऑलरेडी है जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये स्कोप है कि आप उस क्रिटिकल फेज के अंदर एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की सोचो। आप उस एग्जाम्पल को एक बार समझ लो जो मैंने आपको इनिशियली गेयर्स वाली एग्जाम्पल आपको बताई थी। आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लाइफ में 2 मेन चैनल ऑलरेडी आपके लिए चल रहे हैं पैरेलल। एक बड़ा चैनल है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक मेजर चंक ऑफ टाइम और एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा एक कंपैरेटिवली छोटा चैनल है आपके लिए कि खुद को भी मैंने ओवरऑल फिट रखना है, तो आपका काफी टाइम और एनर्जी उस पर भी इन्वेस्टेड रहेगा। तो अब आप एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करके एक अपने लिए एक बहुत बड़ा चैनल नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो सोच लो आपका जो टोटल टाइम और एनर्जी है उसका बहुत बड़ा एक प्रोपोर्शन आप उधर डाइवर्ट करने की सोच रहे हो। और एक सीरियस स्टूडेंट को बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि मैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, और उसको साइड बाय साइड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक रिग्रेट जरूर रहेगा कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया, और जो टाइम और एनर्जी मैं अपनी फिटनेस और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में लगा सकता था, उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मैंने एक दूसरी डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर दिया जो कि इस टाइम पे सही नहीं था। सो लेटर ऑन रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यही आपका क्रिटिकल टाइम था और उस टाइम आपने एक गलत डिसीजन ले लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आई हैव क्लैरिफाइड टू ऑल द यंगस्टर्स हु वर कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस सिनेरियो। सो आप अपना डिसीजन वाइजली लो, सो डैट आपको लाइफ में कभी भी आगे रिग्रेट ना करना पड़े। एंड वेरी सून आई विल मेक अ सेशन ऑन द टॉपिक कि जब आप किसी मिशन पर लगे हुए हो और ऑलरेडी आपका एक पुराना रिलेशनशिप है, तो दोनों चीज़ों को आपको कैसे साथ लेके चलना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। रिमेन फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फिट, एंड जय हिंद।